मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में शपथ ग्रहण का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें भारी संख्या में मंदिर में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण देखा। वहीं शपथ ग्रहण के अवसर पर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा मंदिर में फरुहाही नाच का भी आयोजन किया गया, जो कि मंदिर में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। जब मुख्यमंत्री शपथ ले रहे थे तो मंदिर में शंख बजाकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, जो कि लोगों की खुशी दुगनी कर रही थी। जिसके संबंध में मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने के अवसर पर मंदिर में विधि विधान से पूजा की गई और उनके सफल जीवन की कामना की गई है, जिससे कि वह दोबारा तेजी के साथ प्रदेश का विकास करें और प्रदेश को नई विकास की ऊंचाइयों के आयाम पर पहुंचाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने कहा, तो प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। आप थोड़ी देर में आपको एक एक करके देखेंगे, मंत्री शपथ लेते मंच देखिए कितना बड़ा और भव्य है। शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के
संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक साथ लिए गए केशव प्रसाद मौर्य का और ब्रजेश पाठक का। केशव प्रसाद मौर्य इस जीत का बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। अरे आप तो देख रहे हैं कितना खुशहाली लोग मना रहे हैं। यहाँ जाए जनता सब जो है खुश है। योगी जी से ही अपेक्षा है चतुर्थिक विकास कर राम राज्य की स्थापना करने का संकल्प लें। बहुत कार्यक्रम हो रहे हैं, पटाखा फूट रहा है, बहुत कार्यक्रम आयोजित किए गए, पूजा पाठ किया जा रहा है। योगी जी अमर रहे हैं।